हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं 1919 का। तो ये एक्ट अपने आप में इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था, सिस्टम ऑफ डायार्की। ठीक है, तो डाई मीन्स ड्यूल, आर्क मीन्स गवर्नमेंट, राइट। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो थी वो प्रोविंशियल लेवल पे जो थी वो सेटअप की गई थी, और वो क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये डायार्की जो इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको बाद में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, बेसिकली जो साइमन कमीशन बिठाया गया था वो इसी एक्ट के रिव्यू के लिए बिठाया गया था कि 10 साल तक का जो भी टाइम पीरियड ये एक्ट कवर करेगा 1919 से लेकर 1929 तक का, उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसका हेड जो था वो सर जॉन साइमन था। ठीक है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट बेसिकली 2 ईयर्स एडवांस में ही आ गई थी 1927 में, बिकॉज उस टाइम गवर्नमेंट को, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसको थोड़ा सा खतरा हो गया था कि इंडिया में जो हमारी ग्रिप है वो लूज हो सकती है किसी तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही ले आए थे वो लोग, और ये ऑल वाइट कमीशन था, आपको पता ही था, इसका कोई भी मेंबर इंडिया नहीं था, तो इसकी वजह से जगह जगह पर एजिटेशंस हुई थी। तो बेसिकली जो साइमन कमीशन आया था उसने बाद में ये रिकमेंड किया था कि डायार्की जो है वो अबॉलिश होनी चाहिए, तो वो अबॉलिश हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, एक तो इंट्रोड्यूस किस एक्ट में हुई थी और दूसरा अबॉलिश किस एक्ट में हुई थी। तो अगर आपको ये बीच की स्टोरी पता हो तो आपको जो है वो इजीली इसका आंसर जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो क्या थी डायार्की, कैसे, क्या उसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट ने क्या किया था एज अ, ठीक है, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको रोज़ कहती हूँ और रोज़ कहती रहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को प्यार दें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली जो इसका एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दूसरा नाम है, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट मॉर्ले मिंटो था उसका नाम, है ना, तो मिंटो जो था वो बेसिकली वॉइसराय था इंडिया में, और जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया इन लंडन। तो वैसे ही जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये वॉइसराय था इंडिया का, और जो सैमुअल मॉन्टेग था ये उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो विद इन 5 ईयर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में, तो 5 ईयर्स यानी कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर थी वो स्टार्ट हो गई थी, और कंट्री में काफ़ी रेवोल्यूशनरीज की ग्रोथ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी, राइट। तो उस टाइम पे एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही एक तरह का चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने, बिकॉज मॉडरेट्स जो थे उस टाइम पे रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स थे वो भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो हमारे साथ वॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर हमारी हेल्प करें, आर्मीज में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो, तो इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी अर्ज किया, राइट। तो उन्होंने बोला इन रिटर्न कि आपको जैसी गवर्नमेंट चाहिए हम आपको इन रिटर्न वैसी गवर्नमेंट देंगे, मतलब जो भी आप रिफॉर्म्स डिमांड करते हो। तो ये एक लाइन जो एडविन मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसने हाउस ऑफ कॉमर्स में ये अनाउंसमेंट की थी, द पॉलिसी ऑफ हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट विद विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन कम्प्लीट अकॉर्ड इज दैट ऑफ द इंक्रीजिंग, मतलब कि जो इंडियंस की एसोसिएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन की हर ब्रांच में हम इंक्रीज कर देंगे, एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिस इन्होंने किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने का, और साथ में जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हैं उनकी डिवेलपमेंट का। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे इंडिया में जो गवर्नर जनरल था वो हेड ऑफ स्टेट था, और वो अकाउंटेबल था किसे, एक फॉरन बॉडी को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंडन में थी। बट इंडिया में इंडियंस चाहते थे कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, मीन्स कि जहाँ का हेड जो है वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल हो। ऑल दो कि ये चीज़ जो थी वो प्रोविंशियल लेवल पे हुई थी, बट कुछ ही एक्सटेंट तक हुई थी, फुली नहीं हुई थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सेटअप, और सेंट्रल लेवल पे तो स्टिल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तब महात्मा गांधी जी ने रिटर्न फॉर्म में इनसे लिया था कि आप जो अपना प्रॉमिस हमारे साथ किया है वो पहले तो आपने निभाया नहीं है, तो इस बार आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आपके साथ जो है वो चलेंगे।
So the word responsible government in this statement gave the inference for the first time that rulers are answerable to the public. Rulers जो हैं वो public को accountable होंगे. तो इसी वजह से जो moderates थे उन्होंने इस declaration को Magna Carta बोला था. ठीक है. After all जो जो extremists थे वो इसे बिल्कुल भी satisfied नहीं थे. They wanted total independence, right? So the Government of India Act 1919 was passed on the basis of recommendations of Lord Chelmsford and Samuel Montagu to introduce self-governing institutions gradually to India. The Act covered 10 years from 1919 to 1929. So main features kya the? Sabse jo important feature tha wo tha introduction of diarchy. Diarchy means dual set of government. One is accountable, one is not accountable. So ye cheez main aapko acche tarike se yahan pe samjha dungi, theek hai? जैसे कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, राइट. अब सेंट्रल लेवल पे इन्होंने कोई भी किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप नहीं की है. सेंट्रल लेवल पे अभी भी जो गवर्नर जनरल है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही अकाउंटेबल रहेगा. तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. बट यहाँ पे डायरकी का मतलब, यहाँ पे अकाउंटेबल नॉन अकाउंटेबल का मतलब ये है कि इन्होंने दो तरह के सब्जेक्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे. एक कर दिए थे रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक कर दिए थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे दे वर केप्ट विद द गवर्नर, ठीक है. तो ये गवर्नर के पास ही रहे थे, मतलब जो सब्जेक्ट जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है. तो ऐसे जो सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के पास, गवर्नर उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकता था. बट अब जो गवर्नर है वो तो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल नहीं है ना, वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही अकाउंटेबल है. तो ये नॉट अकाउंटेबल इस पार्ट पे था. और अकाउंटेबल किस पार्ट पे था कि कुछ जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको दे दिया गया था इंडियन मिनिस्टर्स को, ठीक है. तो इंडियन मिनिस्टर्स जो थे उनको दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर्स, ठीक है. तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज इसमें एक बंदा है जो गवर्नर है उसके पास पावर है बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और एक बंदे हैं इंडियन मिनिस्टर्स जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उनके पास पावर कोई नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो आपको याद रखना है. इसके चलते इसको बाद में मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी शो किया है, दोबारा से रिपीट करूंगी. सो द एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. दस द एक्ट ऑफ 1919 मेड अ क्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं? दे वुड डील विद डिफेंस, फॉरन अफेयर्स, प्रिंसिपल रेलवे, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, पब्लिक डेट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करंसी एंड कॉइनेज, कॉमर्स, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सर्टेन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जिसके फर्दर जो सब्जेक्ट्स है वो डिवाइड हो जाएंगे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में. रिजर्व्ड वुड बी कैप्ट विद गवर्नर एंड ट्रांसफर्ड वुड बी कैप्ट विद इंडियन मिनिस्टर्स. तो वो सारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जेल, फॉरेस्ट, इरीगेशन, इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्री, सुपरविजन ऑफ लेबर, फेमीन रिलीफ, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, मेडिकल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्साइज एंड कोऑपरेटिव, ठीक है. तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये किसके अंडर रहेंगे, सब्जेक्ट्स किसके अंडर रहेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर. अब बात करते हैं इसका जो मेन डायरकी का फंक्शन था. अब ये देखो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल लेवल के अंडर किसी तरह की कोई डायरकी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अकाउंटेबल भी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नर जनरल है ही इज अकाउंटेबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टिल, ठीक है, एट प्रेजेंट. जबकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको होम रूल मूवमेंट में भी बताया था कि जो बाल गंगाधर तिलक जी ने या एनी वीसे ने जो मेन डिमांड करी थी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करी थी एट द नेशनल लेवल, कि जो गवर्नर जनरल है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही शुड बी अकाउंटेबल टू एन इंडियन इंस्टीट्यूशन. बट अभी तक यहाँ पे भी वो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हुई है. स्टिल जो गवर्नर जनरल होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि लंदन में है. अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल की. तो डायरकी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस की गई थी. तो डायरकी का मतलब दो तरह की गवर्नमेंट जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं. अब जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे दे वुड बी केप्ट विद द गवर्नर, और जो गवर्नर है वो इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, बिकॉज वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है. और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट वुड बी केप्ट विद इंडियन मिनिस्टर्स, और इंडियन मिनिस्टर्स वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दी सब्जेक्ट, ठीक है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जो गवर्नर है इसके पास पावर तो है
लेकिन इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं बट इनके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। सो द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर। तो रिजर्व जो है वो गवर्नर के पास है, ट्रांसफर जो है वो इंडियन मिनिस्टर्स के पास है। आई बेट कि मैं जो भी बोली हूँ अब तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, है ना। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो है देवर द एसेंशियल एरियाज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट सच एज जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सारे किसके पास रहेंगे? गवर्नर के पास। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कैसे आ गए? पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एजुकेशन। तो ये किसके पास आएंगे? इंडियन मिनिस्टर्स के पास। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो ये वैसे तो अगर आपको अच्छे तरीके से याद रखना हो तो जो गवर्नर, जहां पे भी गवर्नर का कोई भी फंक्शन आता है तो उसको आज की डेट में आप प्रेसिडेंट के साथ उसको रिलेट करके देख सकते हो कि एट प्रेजेंट टाइम जो प्रेसिडेंट के फंक्शन थे वो उस टाइम पे गवर्नर के फंक्शन हुआ करते थे, बिकॉज उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। इस टाइम पे हेड ऑफ द स्टेट जो है आपको पता ही है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ही है ना। जो भी काम होता है, जो भी असेंट होती है वो उनके मतलब जो भी काम होता है उनकी असेंट के साथ ही होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे गवर्नर की असेंट के बिना कुछ भी नहीं होता था। सो द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड हैड टू रिजाइन। उनको रिजाइन करना पड़ता था अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके अगेंस्ट पास हो जाती थी, ठीक है। वाइल जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो द गवर्नर जनरल रिमेन्ड एज बिफोर, मतलब पहले की तरह ही वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबल था, किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं था, राइट। सो इट इज एविडेंट दैट द ट्रांसफर सब्जेक्ट दो इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड, मतलब इस ये भी एक बात है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था, अगर उनकी मिसमैनेजमेंट होती है किसी तरीके से तो वो इंडियंस को इम्पैक्ट करेगी, ब्रिटिशर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मतलब एजुकेशन की ही अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो उसकी अगर मिसमैनेजमेंट होती तो ऑब्वियसली हमारे लोग ही उससे इम्पैक्ट होंगे, ब्रिटिशर्स को क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। सो इन केस ऑफ फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट आल्सो। अगर आज की डेट में अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो भी तो ऐसे ही लगता है ना, स्टेट में अगर स्टेट की जो मशीनरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क करना बंद कर देती है, खराब कर देती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है। तो वैसे ही उस टाइम पे अगर प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती थी तो गवर्नर जो था उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता था उन ट्रांसफर सब्जेक्ट का भी, राइट। सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट, वाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट इनकी जो इंटरफेरेंस थी वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। देन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी इनको फर्दर एक्सपेंड किया गया इस एक्ट के जरिए। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो 70% मेंबर्स जो हैं उनकी इलेक्शन होगी। इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एट मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 3 जो हैं अब इंडियंस होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। उसके बाद जो सिस्टम था कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स का वो भी फर्दर उसको मजबूत किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड और सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, राइट, 1909 एक्ट में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया सिखों में, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस तक। वोटिंग राइट जो था ये ग्रांट किया गया था लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली वो लोग होते थे जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, ठीक है, जो मिनिमम पेबल टैक्स होता था वो देते थे। देन द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द पावर टू मेक लॉज फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी उसके पास ये पावर थी कि वो पूरे इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बना सकते हैं, बट उसमें प्रायर असेंट किसकी चाहिए? गवर्नर जनरल की। तो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें प्रायर असेंट जो है वो गवर्नर जनरल की रिक्वायर्ड थी। नो बिल ऑफ द लेजिस्लेचर कुड बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड अनलेस असेंटेड टू बाय द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जो था वो लेजिस्लेचर की परमिशन के बिना भी कोई एक्ट जो था वो पास कर सकता था, ये उसके पास पावर्स थे, ठीक है। सो इसको आप अलग से हेडिंग में भी लिख सकते हो, पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल। देन फाइनेंशियल पावर्स में भी आप लिख सकते हो, जैसे वोटिंग राइट्स थी, बजट में जो वोटिंग राइट्स थी वो लिमिटेड कर दी गई थी,
ठीक है, सिर्फ 1/3 जो एक्सपेंडिचर था उसी के ऊपर ही वोटिंग राइट्स थी, उसके बाद वोटिंग राइट्स भी नहीं थी, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हो. देन गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. अब अगर प्रेजेंट डे की हम बात करें तो हम प्रेजिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, राइट. बस उस टाइम पे गवर्नर जनरल बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, तो एमरजेंसी केसेस में वो इसको प्रमलगेट कर सकता था, विच वुड रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months अनलेस रिड्यूस्ड इनटू एक्ट बाय द लेजिस्लेचर. तो प्रेजेंट डे में भी ऐसा ही है, बट गवर्नर की जगह प्रेजिडेंट करता है, राइट. देन लेजिस्लेचर्स एंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच. देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड कंट्रोल अफेयर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. देन उसके बाद आता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं, कि एक्ट में जो था सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बना दिया गया था. तो जो फर्स्ट हाउस था विच वॉज सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें 145 मेंबर्स थे, आउट ऑफ विच 104 वर इलेक्टेड एंड 41 वर नॉमिनेटेड. इसको बोल दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली. द टर्म ऑफ असेंबली वॉज फिक्स्ड फॉर 3 years. अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेचर की, तो आज का जो लोकसभा है ये उसी के मॉडल के ऊपर बेस्ड है. सेकेंड हाउस जो आज का, अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो सेकेंड हाउस में 60 मेंबर्स थे, जिसमें 33 इलेक्टेड थे, 27 नॉमिनेटेड थे. इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, जिसकी टेन्योर जो थी फिक्स की गई 5 years तक, राइट. अब जो सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, तो प्रेजेंट डे में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती हैं, राइट. पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से, मतलब उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे, कि वो किसको प्रायोरिटी देती है, उसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है. जैसे कि मतलब किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ज़्यादा ज़मींदार है, बड़ा सा लैंडलॉर्ड है, तो वो टैक्स ज़्यादा पे करता है. जितना ज़्यादा मतलब कोई टैक्स पे करता था, उतना उसके पास जो है वो वोटिंग राइट उसको दिए जाते थे. सो मैक्सिमम मतलब 3,000 अगर कोई टैक्स पे करता है, रेवेन्यू पे करता है, तो ही वॉज एंटाइटल टू वोट. देन उसके बाद लेजिस्लेचर जो थे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, एडजॉइनमेंट मोशन पास कर सकते थे, एंड वोट अ पार्ट ऑफ बजट. अ पार्ट ऑफ बजट क्योंकि 75% का जो बजट था वो अभी भी नॉन वोटेबल था, ठीक है. सिर्फ 1/3 पार्ट जो था वो बजट का वो वोटेबल था, ठीक है. 1/3 पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर वॉज वोटेबल. उसके बाद मतलब 2/3 पार्ट जो था वो नॉन वोटेबल था अभी भी. सो देर वर वोटेबल एंड नॉन वोटेबल ग्रांट. इंटरेस्ट ऑन, ये आप फाइनेंशियल पावर्स में लिख सकते हो, ठीक है, हेडिंग बना के अलग से. तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड सिंकिंग फंड चार्जेस, सैलरीज एंड पेंशन ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वर नॉन वोटेबल ग्रांट्स, ठीक है. सो द वोटेबल आइटम्स कवर्ड ओनली 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. देन वुमेन वर ऑल्सो गिवन द वोटिंग राइट्स. This act also made a provision in its part 5 that a statutory commission would be set up at the end of 10 years. वही साइमन कमीशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि इस एक्ट को रिव्यू करेगा. इसको हेड किसने किया था, सर जॉन साइमन ने, which would recommend further constitutional changes. सबसे बड़ी चेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो क्या थी, इस डीआरसी को अबॉलिश किया गया था, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. तो साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज एन आउटकम ऑफ दिस प्रोविजन. सो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. अब इसकी इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कुछ लिमिटेड स्फेयर तक जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था वो दिया गया था थ्रू इंडियन मिनिस्टर्स, है ना. वो इलेक्ट होके आते थे तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, बट कुछ हद तक मिली थी, ठीक है. सो सर्टेन डिफेक्ट्स भी थे, बहुत सेंट्रल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी. अब सेंट्रल लेवल में डिफेक्ट क्या थे, कि अभी तक इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है. और अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें, तो प्रोविंशियल लेवल पे भी जो लोग थे, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो थी, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी, राइट. और दूसरा, अगर हम बात करें गवर्नर की, रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करें, जो कि गवर्नर के पास रहते थे, तो गवर्नर के पास पावर तो थी, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी सेंस कि ही वॉज नॉट अकाउंटेबल फॉर वट एवर ही डिड, है ना. तो वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल नहीं था, वो अकाउंटेबल था किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अभी तक, ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आप इसमें कवर कर सकते हो, कि एक बंदा है इसके पास पावर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बंदा है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट उसको
पावर्स दी दी गई हैं, तो ये इसके सबसे बड़ा डिफेक्ट रहेगा। इसके बाद इसकी जो है जो असेसमेंट इसकी होगी, इसका रिव्यू होगा आफ्टर 10 ईयर्स, वो होना तो 1929 में था, बट क्योंकि इनको थोड़ा डर खतरा बढ़ गया था इनका कंजर्वेटिव पार्टी का कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ हो सकती है इंडिया में, तो 1927 में मतलब 2 साल पहले ही इन्होंने साइमन कमीशन जो था वो इंडिया में लाया था। तो चलिए इसके बाद की हिस्ट्री जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी फाइनली, ठीक है। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फतेह एडुकॉम। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो। थैंक यू।